हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग सरलीकरण पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग सीख रहे थे कैसे हम लोग भाग गुणा जोड़ घटाओ, भिन्नों का भाग गुणा जोड़ घटाओ कैसे सॉल्व करते हैं। जिसके अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में बताया भी था दो संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा भाग करेंगे। आइए हम उसके आगे भी देखते हैं कुछ चीज़ें। हमने साथ जोड़ और घटाव ही देखा था, आइए हम उसे गुणा भाग को भी देखते हैं। या फिर दो से अधिक संख्या, तीन संख्या, चार संख्या भिन्न के रूप में हैं तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे, हमको सीखना है। आइए हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास है कोई संख्या 5/6 प्लस 7/9 प्लस 3/7, ये हमारे जोड़ में है। जोड़ के रूप में हमारे पास तीन संख्याएं हैं, या 4, 5, 6 भी हो सकती हैं। तो हम एक तीन का एग्जांपल, तीन का ही सीखते हैं। पहले हमने देखा था कि इसको हम सबसे पहले हमको इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका भी हमने बताया था कि हम उसको लिखेंगे 6, 9 और 7, जो हमारा हर दिया हुआ है हर, उसको हम ऐसे लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे एलसीएम से निकाला, या फिर उसको गुणनखंड करेंगे जिसे कहते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि इसको हम दो से भी काट सकते हैं, 2 3 6, 9 हमारा कटेगा नहीं, 7 हमारा कटेगा नहीं। अब ये हमारा 2 से कटेगा नहीं, इसलिए 3 से काटेंगे। 3 1 3, 3 3 9, 7 हमारा कटेगा नहीं। बस हमारा निकल गया इसका एलसीएम कितना होगा इसका, क्योंकि ये 3 और 7 बच गया, 3 3 से कटेगा, 7 7 से कटेगा। इस तरीके से हमने देखा कि 3 2 6, 3 2 6, 6 3 18, 2 3 6, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, 18 7 126, 126 इनको आपस में गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। इस तरीके से इसका एलसीएम हो गया, इसका एलसीएम हो गया 126, इसका एलसीएम हो गया 126। तो इस तरीके से इसका एलसीएम 126 हो गया। अब हमको 126 इसको भी बनाना है, इसको भी बनाना है, इसको भी बनाना है। हमने देखा था कि भिन्न को हम कैसे जोड़ते हैं, उसका हर बराबर कर देंगे, हर बराबर कर लेंगे, फिर ऊपर अगर जोड़ है तो जोड़ किस जोड़ लेंगे, अगर घटाव है तो घटा लेंगे। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको हर अलग अलग है तो हमको हर सेम कर लिए, हम हर सेम करने के लिए हर को हमको 126 बनाना है, 126 बनाना है, यानी कि 6 मतलब ये इस 6 में अगर इन दोनों से गुणा कर देंगे 21 से, तो ये हमारा 126 हो जाएगा। इस 9 में, इस 9 में 3 3 9 में 7 2 14 से गुणा कर देंगे, मतलब बची हुई संख्या जो है उसी से गुणा करेंगे तो हमारा वो आंसर आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि 3 3 9 है, तो इस 9 में 7 2 14 से गुणा कर लेंगे, बची हुई संख्या हमारी 14 ही है। और ये 7 है जिसमें 3 3 9 2 18 से गुणा कर लेंगे, 18 से गुणा कर लेंगे 7 में, तो हमारा आ जाएगा 126। ये 6 है, ये 6 है, तो इस तरीके से 6 में अगर 9 7 3 21 से गुणा कर लेंगे तब भी 126 हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि हम इसमें 21 से गुणा कर लेंगे। इस तरीके से हमारा 9 है तो 7 2 14 से गुणा कर लेंगे। इस तरीके से 7 है, 3 3 9 2 18 से गुणा कर लेंगे, 126 हो जाएगा। हमारा हर जो है हमारा सेम हो गया, 126 हो गया। अब नीचे अगर गुणा किए तो ऊपर भी करेंगे, कहने वाले ऊपर भी 21 से, ऊपर भी हम 14 से, और ऊपर भी हम 18 से। ये आपको गुणा करने का तरीका सिखा रहे हैं, हम इसको लिख रहे हैं ताकि आप लोग समझ सकें कैसे कैसे हो रहा है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए है। इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल रहा है कितना, 21 5 105 प्लस है, ये हमारा प्लस है, हर तो हमारा निकल ही गया, हर तो हमारा निकल ही गया 126 निकल गया हर हमारा, ऊपर निकल गया 105, 14 5 70, 94 94 98 प्लस 18 54, ये हमारा वैल्यू निकल गया तीनों की प्लस, क्योंकि इसके बीच में प्लस का निशान है, तो प्लस का निशान लगा के हमने इसकी वैल्यू निकाल दिया। और इसको हम ऐड करेंगे, अब 8 4 12 8 4 12 12 5 17, और 2 17 का 7 हासिल 1, और यहाँ पे 9 5 14 14 1 15 15 में 0 यानी कि 15 का 5,
हासिल हो गया एक और एक एक दो, इससे 257/126, 257/126 हमारा हो गया। इसका आंसर हो गया, इसका इसलिए इतने का आंसर ये हो गया। या फिर इसको सही बटे के रूप में लिखना चाहें तो 126 से इसमें भाग देंगे, 126 में 252, हो गए हमारा 5 शेष आ गया। इस तरीके से हम इसको लिखना चाहें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 सही 5/126, इसकी वैल्यू ये भी आ गई। तो इस तरीके से हमने सीखा कि तीन संख्याएं जो भिन्न के रूप में हैं उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं, दो तीन संख्याएं हैं उनको हम अपने गुणा कैसे कर सकते हैं। गुणा जैसे अगर हमको दिया है 6/18 गुणे 5/25 गुणे 15/3, मान लीजिए संख्या तीन संख्याएं आपस में गुणा हैं, ये आपस में गुणा हैं। गुणा करने में हमको तरीका हमको ध्यान रखना है कि ऊपर जो हमारा अंश है अंश को आपस में गुणा करेंगे और हर को आपस में गुणा करेंगे। ये भिन्न को सॉल्व करने का तरीका है, अंश को ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे और नीचे नीचे का गुणा करके लिख देंगे। यहाँ पे ऊपर वाला ऊपर लिख देंगे, नीचे वाला नीचे लिख देंगे। एक तो हमारा ये आसान सा तरीका हो गया, मगर इसमें क्या है हमारी संख्याएं बहुत बड़ी आ जाती हैं। अगर ये तो हमको क्या समझना है कि अगर ये आपस में कट रहे हैं, अगर ये आपस में कट रहे हैं उनको काट के छोटा कर लो, उसके बाद इसकी गुणा जो बची होंगी संख्याएँ उसको गुणा करोगे तुम्हारी सेम वैल्यू तब भी आएगी। जैसे एग्जाम्पल तौर पर यही संख्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कैसे करेंगे। 6 के 6 6 3 18 और फिर यहाँ देखते हैं 5 के 5 5 5 25 यहाँ गया, फिर यहाँ 3 के 3 3 5 15। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 आ गया है, यहाँ पे 1 आ गया है, यहाँ पे 5 आ गया है, यानी कि 1 1 = 5 ऊपर हमारा आ गया 5, नीचे देखते हैं 3 5 और 1, यानी कि 1 5 5 5 3 15 नीचे हो गया हमारा 15, 5/15 आ गया, 5/15 गया। फिर हम इसको एक स्टेप में और सॉल्व कर सकते थे, ऊपर 5 था नीचे 5 था तो इसको यहाँ से हम काट सकते थे, तब हमारे यहाँ पर 3 बच जाता। अगर हमने वहाँ नहीं किया तो यहाँ तो आकर कर सकते हैं, ऊपर 5 आ गया नीचे 15 आ गया तो 5 1 के 5 5 3 15 इसकी वैल्यू आ गई 1/3, इसकी वैल्यू हो गई 1/3। गुणा जो अगर हमारा भिन्न के रूप में गुणा है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे हम ये सीख रहे हैं। चलो हम दूसरी संख्या लेते हैं, भिन्नों को आपस में कैसे गुणा करेंगे हमको समझना बहुत जरूरी है। भिन्न का आपस में जोड़ घटाओ गुणा भाग, दशमलव संख्याओं का आपस में जोड़ घटाओ गुणा भाग और नॉर्मल संख्याओं का आपस में जोड़ घटाओ गुणा भाग सब कैसे होता है हमको एकदम अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि हर संख्या कोई भी बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे उसको लास्ट में हमको यहीं आके टकना है कि इसको आपस में वो भिन्न के रूप में या तो मिलेंगी उनको जोड़ घटाओ करना है या तो आपस में दशमलव के रूप में मिलेंगी तब भी उनको करना पड़ेगा। इसीलिए हमको इसको अच्छे से हमको समझ में आना चाहिए। चलिए हमें कोई वैल्यू और दूसरा ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 7/17 गुणे 11/28 गुणे 15/66 गुणे
गुणे तीन बटे 16 ही ले लेते हैं। चलो इसको आपस में सॉल्व करना, सब आपस में गुणा है, भिन्न के रूप में लिया है और एक गुणा है, हमको समझना कैसे आपस में भिन्न संख्याएं गुणा होती हैं। चलो इसे सॉल्व करने के तरीके देखते हैं। जो भी आपस में कट रहे हैं, चाहे वो ऊपर नीचे कट रहे हैं तो ऊपर नीचे काट देंगे, ऊपर नीचे ना कट के डायरेक्टली अगर ये ऊपर नीचे ना कट के, ऊपर नीचे डायरेक्टली ना कट के, यहाँ से तिरछे में भी ऊपर नीचे कट रहे हैं तभी हम उसको काट लेंगे। ऊपर है ये नीचे है, जो ऊपर वाली संख्या है वो सब ऊपर माने जाएंगे, जो नीचे वाले हैं वो नीचे माने जाएंगे। तुम कोई भी काट सकते हो, मतलब इस संख्या से हम इसको भी काट सकते हैं अगर कट रहा है तो, नहीं तो इस संख्या से अगर ये कट रहा है इसको काटेंगे, ये कट रहा है इसको काटेंगे, अगर ये नहीं कट रहा तो इसको काट देंगे, जो भी कट जाए हम काट सकते हैं आपस में। तो ये देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि सात के साथ सात से सत्रह कटेंगे तो यहाँ ये कट जाएगा, सात चौक 28 ये कट गया तो काट दिए। यहाँ से देखते हैं 11 के 11 छक्के 66 ये कट गया इसको काट दिए। 17 हमारा किसी से कटेगा नहीं तो 17 हम काटेंगे नहीं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 के 3 3 2 6 ये कट गया इसको काट दिए, ये कट गया तो हम इसको काट दिए। अब आपस में देख रहे हैं कि कुछ कटने लायक बचा नहीं है, यहाँ पे 17 बज गया 17 15 से कटेगा नहीं, 4 बज गया 4 से कटेगा नहीं, 2 16। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पूरा कट गया, 1 बज गया, यहाँ भी 1 बज गया, यहाँ भी 1 बज गया और ऊपर सिर्फ 15 बज गया हमारा, तो ऊपर हम 15 लिख दिए। नीचे हम क्या लिखते हैं, नीचे हमारा यहाँ पे 16 है गुणे 2 है गुणे 4 है गुणे 17 है, तो इतनी बड़ी संख्या हमें मिल गया है। तो 4 2 8 और यहाँ पे 16 हो गया, ये क्या 16 गया, यहाँ कहीं ढोलक बजने लगा साथियों, कहीं कुछ प्रोग्राम हो रहा है। आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने वीडियो को ही एंड करते हैं क्योंकि शोर बहुत हो रहा है। तो इस तरीके से देखते हैं हम 16 2 32 ये हो गया 32 गुड़े, ये हो गया 16 2 32 और ये हो गया हमारा 17 गुड़े 4 गुड़े 32, ये हमारा हर में हो गया, ये हमारा अंश में हो गया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 2 8 4 से गुणा करेंगे इसको, 4 2 8 और 4 3 12 128 गुणे 17 ऊपर हो गया 15 नीचे हो गया इतना, तो 17 से गुणा करेंगे 17 136 17 136 का 6 हासिल हो गया 13 17 2 34 34 10 44 3 47 का 7 हो गया हासिल 4 हो गया और 17 1 17 4 2176 ऊपर हो गया 15 15/2176 हो गया हमारा आंसर, 15/2176 हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार हम और चेक कर लेते हैं क्या ये 3 से कट जाएगा, 3 7 21 3 2 6 ये हमारा 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि 7 6 13 7 6 13 1 14 14 15 16 3 7 3 10 6 16 आएगा, ये हमारा 3 से कटेगा नहीं। इस तरीके से इसका आंसर हो गया 15/2176 हमारा आंसर हो गया। आप लोग को समझ में आया होगा कैसे हम भिन्न संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। शोर बहुत हो रहा है साथियों, हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं।